अगली खबर में बात करते हैं बुरहानपुर की, जहां प्रदेश में भाजपा की सरकार में सहकारिता क्षेत्र की हालत कैसी बद से बदतर हो रही है। इसका उदाहरण बुरहानपुर की ठाकुर नवल सिंह सुगर फैक्ट्री में देखने को मिलता है। यहां निर्वाचन को लेकर प्रदेश की सरकार कभी गंभीर नहीं रही, लगातार दूसरा टर्न चल रहा है, मगर सरकार अपना प्रशासनिक अधिकारी नहीं बैठ रही है, ना ही इस फैक्ट्री को लेकर डेलीगेट्स के चुनाव करवाने को तैयार है, जबकि कई बार फैक्ट्री के डायरेक्टरों पर डेलीगेट्स ने गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए हैं। वर्तमान में ये लोग तहसील परिसर के सामने भूख हड़ताल पर बैठे हैं। डेलीगेट्स उज्ज्वल पाटिल और अंशधारी सदस्य ललित शंभू पटेल के अनुसार वर्तमान में डायरेक्टर मंडल के भ्रष्टाचार के ठाकुर शिव कुमार सिंह के सपनों का सुगर कारखाना 25 करोड़ के घाटे में चल रहा है। वर्तमान विधायक सुरेंद्र सिंह अवैध रूप से फैक्ट्री के संसाधनों पर कब्जा जमा कर बैठे हैं। विधायक डायरेक्टर मंडल में यह विधायक द्वारा फैक्ट्री के वाहन को 70,000 किलोमीटर चलाया गया है, जबकि ईंधन के बिल फैक्ट्री में लगाए गए। कारखाना डेलीगेट्स में 75% सदस्य जनजाति प्रमाण पत्र के अनुसार ओबीसी है। डायरेक्टरों ने बड़ी चालाकी से किसानों से धोखा करते हुए ओबीसी सदस्यों को सामान्य बताकर फैक्ट्री में अपने शेयर बढ़ाए, जिस पर प्रशासन ने जांच कर सही पाया। आज डायरेक्टर मंडल सवालों के घेरे में है। डेलीगेट्स उज्ज्वल पाटिल के अनुसार कारखाना के द्वारा चलाए जाने वाले शिव कुमार सिंह इंजीनियरिंग कॉलेज में भी भारी भ्रष्टाचार हुआ है। अंशधारी सदस्य शंभू ललित पटेल के अनुसार कॉलेज निर्माण के समय जो भ्रष्टाचार हुआ उसमें दस्तावेज निकाल कर उन्होंने पूर्व कलेक्टर को दिए और जांच करने का निवेदन किया, मगर वह तत्कालीन कलेक्टर प्रवीण सिंह जांच करने के लिए भी तैयार नहीं हुए। इसके कारण आज पीड़ितों को भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा। अब अगर 8 तारीख तक प्रशासन नहीं माना तो यह विरोध आमरण अनशन में तब्दील हो जाएगा। ज्ञात हो कि पूर्व कलेक्टर प्रवीण सिंह सेटिंग कलेक्टर के नाम से जिले में चर्चित हो चुके हैं। शिवराज मामा की सरकार में नल जल योजना में फर्जी आंकड़े प्रस्तुत कर राष्ट्रीय पुरस्कार हड़पने वाले कलेक्टर किसानों के शेयर से बनाए कारखाने के भ्रष्टाचार में सहयोगी क्यों बने, यह तो जांच के बाद ही पता चलेगा। पिछले वर्ष तक सहकारिता क्षेत्र में 125 करोड़ के फायदे में चल रही नवल सिंह सुगर फैक्ट्री आज एक वर्ष में 25 करोड़ के घाटे में कैसे पहुंची, अपने आप में चमत्कार से कम नहीं। डेलीगेट्स के अनुसार स्थानीय भाजपा नेताओं का उदासीन रवैया और फैक्ट्री में निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह का सीधा हस्तक्षेप इस घाटे का जिम्मेदार है। विचित्र बात यह है कि शिवराज सरकार में सहकारिता क्षेत्र की सोसाइटी से लेकर बैंकों तक में सैकड़ों भ्रष्टाचार सामने आ रहे हैं। सहकारिता क्षेत्र सत्ता का मोहरा बनकर रह गया है। दूसरी ओर किसानों की मेहनत से बना यह शुगर कारखाना एक निर्दलीय विधायक के दखल से घाटे में जाकर बंद होने की कगार में है। मैं इस नवल सिंह सहकारी शक्कर कारखाने का निरंतर 15 वर्षों से डेलीगेट हूँ और वर्तमान में भी हूँ। तो मुझे हड़ताल का सहारा इसलिए लेना पड़ा कि हमने निरंतर 5 वर्षों से इस कारखाने की अनियमितताओं को लेकर उजागर करते हुए आवेदन निवेदन सभी प्रमुख और जवाबदार लोगों से किए हैं। शासन प्रशासन से भी लगातार चल रहा है प्रयास, किंतु उनके द्वारा आज तक भी कोई विशेष संज्ञान नहीं दिया गया और जांच भी नहीं शुरू की गई। और कुछ जांचें शुरू भी हुई थी तो उसे प्रभावी राजनेताओं को दबाने के लिए वो जांच भी दबाई गई, बचाने के लिए जांच भी दबाई गई। इसीलिए हमको यह भूख हड़ताल का सहारा लेना पड़ा ताकि यह कारखाना भी बचे और शिव कुमार सिंह भाई के नाम से निर्मित जो शुगर कॉलेज बना हुआ है उस कॉलेज में जो भ्रष्टाचार हुआ है चौथे चरण में, उसको ही लेकर हमने कलेक्टर महोदय को 21/11/2022 को एक आवेदन दिया था कि उसकी जांच की जाए। उसके चतुर्थ चरण के निर्माण में बहुत सारी अनियमितताएं हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है और वह उजागर हो, जिसके कुछ विधिवत सबूत फुटेज हमने जमा कर लिए हैं और उसके तहत उसकी जांच अत्यंत जरूरी है। मुझे 101% शाश्वती है कि यहाँ पर भ्रष्टाचार निश्चित तौर पर निकलेगा, इसीलिए हम इस भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। अगर शासन प्रशासन द्वारा इसको संज्ञान में नहीं लिया गया रविवार तक, तो हम सोमवार से आमरण अनशन की तैयारी कर रहे हैं। भले ही हमारे कारखाने के लिए और शिव भैया का नाम बचाने के लिए हमें कितनी भी तकलीफ झेलना पड़े, सहन करना पड़े, हम इसे जरूर बचाएंगे ताकि इस कारखाने से कई परिवार जो जुड़े हुए हैं वो आज निरंतर अपना रोजी रोटी कमा सके
उसी लिए हमारे यहाँ प्रयास जरूरी है। और इस कारखाने में जो इलेक्शन संबंधी जो प्रक्रिया है स्थगन आदेश पे चल रही है माननीय न्यायालय के द्वारा, उसका भी कार्यकाल समाप्त तो हो गया है। यानी अधिनियम के हिसाब से इन लोगों को यहाँ बैठना नहीं चाहिए, इनको यहाँ से डिसॉल्व करके प्रशासक नियुक्त कर देना चाहिए, किंतु वह मामला माननीय न्यायालय जबलपुर में विचाराधीन होने से उस पर ज्यादा टिका टिकमी करना ठीक नहीं है। इसीलिए हम आदेश के न्यायालय के आदेश को सर्वोपरि मानेंगे, बस उसी का इंतजार है। उससे ही पहले हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो भ्रष्टाचार हुआ है उसकी जांच हो जाए। जांच में मुझे तो इतनी शाश्वती है कि निश्चित तौर पर एक धागा अगर पकड़ में आ गया तो पूरा कपड़ा उधड़ जाएगा। ये इतनी सारी भ्रष्टाचार यहाँ पे किया है, क्योंकि हमारे कारखाने में यह जो भाभी जी पदस्थ हुई थी उससे लेकर क्या समस्या है आपकी? हमारी समस्या यह है कि हमारा नवल सिंह सहकारी शक्कर कारखाना बुरहानपुर का एक ऐसा शक्कर कारखाना है जिससे लगभग 1,00,000 परिवार जुड़े हुए हैं, जिनके परिवारों का गुजर बसर होता है। उस कारखाने को वर्ष 1918-19 के बाद में लगातार हानि में चला जा रहा है, और कारखाने में जो पूर्व में 100 करोड़ रुपए के प्रॉफिट में था, आज वो 25 करोड़ के हानि में चल रहा है। ऐसे स्थिति में कारखाने में यानी लगभग 125 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हो चुका है, क्योंकि शक्कर कारखाना एक ऐसा है जिसमें कि यानी गन्ने से निकलने वाली प्रत्येक चीज़ बिकती है। शक्कर बिकती है, भूसा बिकता है, राग बिकती है, मुलासेद बिकता है, प्रेसमड बिकती है, और उसके बाद में भी अगर हानि में कहा जाए तो बहुत बड़ी दुख की बात है। हमारे पास अधिक जो जानकारियां देने गए तो बहुत सारी है, लेकिन जो जांच में हमारे पास में आया है, कॉलेज जो निर्माण हुआ है इन हम किसानों की संपत्ति से शेयर हमारे लिए गए, उसमें अंश उसके जमा होने के बाद में वो कारखाने से कॉलेज निर्माण हुआ, उस कॉलेज में 2014 में जो भ्रष्टाचार हुए हैं उसको हमने उजागर करके और कलेक्टर साहब से एक छोटी सी जांच कही कि शुरुआत तो कीजिए कि ताकि इनको मालूम पड़े कि यानी कितना भ्रष्टाचार हुआ है, तो वो भी शुरुआत नहीं कर सके, इसलिए हमको ये क्रमिक भूख हड़ताल का सहारा लेना पड़ा। जो आज अगर हमारे द्वारा जो कदम उठाया गया इससे अगर किसी प्रकार से हमें संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता है तो हम 9 तारीख से अमरनाथ अनशन पर बैठ जाएंगे। संबंधित शहर के अभी भाजपा की सरकार के जो नेता लोग हैं वो इस संबंध में क्या बोल रहे हैं? अब ऐसा है, नेता है उनके बारे में हम क्या कह सकते हैं, शिकायतें हर जगह की है, सीएम साहब के पास में भी जाके शिकायत की, कोऑपरेटिव मिनिस्टर साहब के पास में शिकायत की, सीएम साहब ने जांच के लिए वहां से लेटर भी निकाला लेकिन फिर भी जांच नहीं हो रही है, वो लेटर लगा हुआ है वहां पर जो कि सीएम साहब ने भेजा था, फिर भी उसकी जांच नहीं हो रही है। वर्तमान विधायक से संबंधित कोई गाड़ी वाला मैटर निकला था कि गाड़ी का ऐसा है, कारखाना हानि में दर्शाते हुए भी